तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएक्स प्लेयर पर आप किस तरह से पासवर्ड पैटर्न या लॉक लगा पाएंगे, क्योंकि एमएक्स प्लेयर सभी लोग ओपन कर लेते हैं, हमारी कुछ गोपनीय फाइल उसमें होती है तो कहीं कहीं लोग वीडियो वगैरह देख लेते हैं। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे ना किस तरह से एमएक्स प्लेयर पर हम पासवर्ड या लॉक लगाएंगे। इसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप को नहीं इंस्टॉल करना, आपके फ़ोन में यह सेटिंग दी गई है, चाहे आपका फ़ोन किसी भी कंपनी का हो, मैं यहाँ पर प्रोसेस सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए देर क्यों करेंगे, जल्दी से करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो स्वागत है दोस्तों आपका टिक ज्यादा यूट्यूब चैनल पे, आप ये वीडियो देख रहे हैं रुपेश के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। सबके फोन में सेटिंग वाली बटन होती है, इस पर क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, हम इस पर टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद सबसे आखिरी में दिखेगा ऐप लॉक, हम उस पर क्लिक करके चाहें तो यहाँ से एमएक्स प्लेयर पासवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन नहीं, मेरा फोन रेडमी यानी एमआई कंपनी का है तो मेरे में सेटिंग आसान है, लेकिन यदि दूसरी कंपनी का आपका फोन होगा तो यहाँ पे सेटिंग नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है आज मैं बताता हूँ। यहाँ से बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर या नीचे कहीं कहीं प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, तो प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऐप लॉक की सेटिंग दिख जाएगी। यदि फिर भी ना दिखे तो घबराने की बात नहीं है, सबसे ऊपर सर्च सेटिंग का ऑप्शन हर एक कंपनियों के फ़ोन में दिया रहता है। सर्च सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिखना है APPLOCK ऐप लॉक लिखना है, ठीक है। जैसे ही लिखेंगे पहले पे सेटिंग दिख जाएगी ऐप लॉक वाली, और इस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपसे पैटर्न या पासवर्ड बनाने को कहेगा, तो आप पैटर्न या पासवर्ड बना लीजिएगा, ठीक है। अपने अनुसार से पैटर्न या पासवर्ड नया वाला बना लीजिएगा, और ये पैटर्न या पासवर्ड जो आप बनाएंगे यही आपके एमएक्स प्लेयर का पासवर्ड होगा। जब एमएक्स प्लेयर एप्लीकेशन आप खोलने जाएंगे तो यही पासवर्ड या पैटर्न मांगेगा, तभी आपका एमएक्स प्लेयर ऐप ओपन होगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आई मैं पहले से बना रखा हूँ, ऑन करते हैं। आप जैसे ही पासवर्ड सेट कर लेंगे, बना लेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, सभी एप्लीकेशन दिखाई देंगी। यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा एमएक्स प्लेयर कहाँ है, ठीक है। तो हम ढूंढ लेते हैं हमारी एमएक्स प्लेयर ऐप कहाँ है। तो हमारी एमएक्स प्लेयर यहाँ है, इसके आगे बटन, इसको ऑन करेंगे, इनेबल करेंगे ताकि हमारे एमएक्स प्लेयर पर लॉक लग जाए। मेरे एमएक्स प्लेयर पर लॉक लग चुका है। अब एमएक्स प्लेयर को हम ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे बैक आके एमएक्स प्लेयर को जैसे हम ओपन करेंगे, हमसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा हमारी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।